पवन आरती हत्याकांड का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। सिरसागंज में 27 जून को लगुन सगाई वाले दिन पवन की मंडी जाते समय सुगन की थी गोली मारकर हत्या। हत्या में शादी वाली लड़की के जीजा ने कराई थी पवन की 5 लाख देकर शूटरों से हत्या। अपनी शाली पर रखता था बुरी नजर, नहीं होने देना चाहता था शादी। उरमुरा गांव का निवासी जीजा। पुलिस ने आज शातिर शूटर सुखबीर को मुठभेड़ के दौरान किया था गिरफ्तार, तो हत्यारे मौके से हुए फरार। सर, सिरसागंज का क्या मामला है, ये खुलासा हुआ है? देखिए, 27 जून को आप लोगों ने देखा होगा कि पवन नाम का लड़का सब्जी की आड़ करता था। उसने उसकी लगन सगाई होने वाली थी, वो जा रहा था अर्ली मॉर्निंग सब्जी लेने, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आया था लोगों का चेहरा, तो उसकी हम लोग तहकीकात करना शुरू किया। पता लगा कि उसकी जो शादी होने जा रही थी, उसकी बीवी का जो बहनोई है यजुवेंद्र, वो नहीं चाहता था कि शादी हो। वो बड़ी बुरी नज़र रखता था उस लड़की पर। तो वो युवेंद्र जो था, ये जाके मिलता है इंद्रजीत से, और इंद्रजीत योगेश यादव के माध्यम से 5 लाख रुपए में 3 व्यक्तियों को सुपारी देते हैं। ये सुखवीर, सुखैया को, पवन को, अमन को। सुबह निकलता है और पवन निकलता है, और उसके आगे आगे निकलता है सुखैया, सुखवीर। रेकी करता है, आगे जाके खबर करता है कि हाँ निकल गया, तुम लोग आ जाओ। वहाँ गाड़ी मोड़ के वापस जाता है, वहाँ इसको गोली मार देते हैं, ये मर जाता है। सुखैया पकड़ा गया रात में, गोली मारा है उसने पुलिस पार्टी पे, मुठभेड़ हुई है, गोली चली है, उसे पकड़ा गया है, उसने कबूला है 5 लाख रुपए में। पूरी घटना वर्कआउट हुई है, पूरा पर्दाफाश हुआ है, और 2 लोग भागे हैं साथ में ही थे इसके, अमन और राजीव। इसने एक घटना और कबूला है, हाथरस में एक पूर्व प्रधान है राम खिलाड़ी यादव, पुत्र अजब सिंह, निवासी कमालपुर सिकंदर राहू, वहाँ भी इसने सुपारी ली थी मारने की। ये कंप्लीट क्लियर है, पैसा दीजिए मर्डर कराइए, उस तरह का इनका गैंग है सुखबीर का। तो इनको पकड़ा है हम लोगों ने, इतना पड़ रही। सर, आज तक कितनी सुपारी ले चुका है ये? 2 इसने एक्सेप्ट किया है, एक सिकंदर राव को मार दिया है, एक यहाँ मार दिया है, बाकी अभी और इंटोगेशन करेंगे, इनको रिमांड से जाएंगे, और ये HSB है, और इनके जो साथी दोनों हैं वो पकड़े जाएंगे, तो और बात होगी। सर, गोली मारने में अकेला ही वो व्यक्ति था, और भी कोई साथ था इसके? गोली मारने में थे अमन और राजीव, 2 लोग थे। ये तो रैगी कर रहा था, आगे कभी ये भी मारता है, कभी वो मारते हैं, पूरा गिरोह है।